उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने कत्ल की एक खौफनाक साजिश का खुलासा किया है और बताया जा रहा है कि क्राइम सीरियल देखकर आरोपियों ने ऐसा प्लान तैयार किया था कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। प्रेमिका से शादी के लिए खौफनाक प्लान, क्राइम सीरियल देखकर कत्ल, लाश जलाने की साजिश, लेकिन पुलिस ने किया सारे खेल का भंडाफोड़। क्राइम सीरियल देखकर कत्ल करने के आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर गुनाह के तह तक जाने की कोशिश में है। आरोपी कपिल और रूबी से पूछताछ में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसने पुलिस वालों को भी सन्न कर दिया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग जाति के होने की वजह से जब इनके घर वालों ने शादी का विरोध किया तो इन्होंने पीड़ित का कत्ल करने के बाद उसकी पहचान बदलकर लाश जलाने और फरार होने का प्लान तैयार किया। प्लान के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित युवती को 26 जनवरी को नोएडा से अगवा किया था। उसे रास्ते में शराब पिलाई गई और फिर गला घोट कर कत्ल कर दिया गया। 1000 रुपये देने के बाद में उसने ठेके पर से बियर ली, पहले बियर पी, गाड़ी में बैठ के आपस में ऐसी गाली गुफ्तार करने लगी। फिर मैं उसे अपने इधर ले आया, इधर लाके मैंने नॉर्मल स्कूल पर गाड़ी की सीट बेल्ट से उसके फौसे लगा के मार दी। कपिल और रूबी का इरादा घर वालों के सामने ये साबित करने का था कि रूबी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन इनका प्लान कामयाब नहीं हो सका। इन बिटवीन कपिल की गिरफ्तारी की गई और कपिल से उसके संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई तो कपिल ने बताया कि पूनम को वो गौतम बुद्ध नगर से अपनी गाड़ी में डाल करके ले आया था और रास्ते में ही उसको गले बेल्ट से गला दबा करके पूनम की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक क्राइम सीरियल देखकर इन दोनों ने कत्ल का प्लान तैयार किया था, लेकिन शायद ये गुनहगारों के आखिरी अंजाम को भूल गए और अब इन्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।